ध्यान दें, इस वीडियो में हमें पढ़ना है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री। मोलालिटी, मोलालता क्या होता है? यह एक सांद्रता पद है जिसमें मोलालता क्या होता है पढ़ेंगे। कोई विलयन है तो उस विलयन में आप देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। अन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलालिटी। अर्थात 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलालता कहते हैं। और यह मोलालता इक्वल टू होता क्या है? यहां से जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपान हो जाएगा वेट ऑफ यहां से जाएगा सॉल्वेंट, और वो भी किस में? इन केजी में हो जाएगा, केजी। इस तरह से 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलालता कहते हैं। अब और आगे बढ़े देखें तो मोलालता को ऐसे स्मॉल एम से लिखा जाता है, लेकिन आप देखें स्मॉल एम उसके वेट को भी रिप्रेजेंट करता, मॉलिक्यूलर वेट को भी, इसलिए आप सिंपल सी मोलालता लिखें बेटर रहेगा। या हो जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसके बाद ये फार्मूला आपका बनता है, यहां से देखेंगे। अब इसके बाद ये देखें कि अगर ये डब्ल्यू जो है वह ग्राम में दिया गया है, यहां से देखें इफ कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर दिया गया है उसमें अगर ग्राम में दिया गया डब्ल्यू जो है इन ग्राम में अगर है तो उस समय क्या करते हैं? यह फार्मूला हो जाता है मोलालिटी, यहां से देखें मोलालिटी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां से आप देखेंगे मोलालिटी बराबर तो यह हो जाएगा डब्ल्यू अपान एम इंटू वन अपान कैपिटल डब्ल्यू, अब बटे हो जाएगा यहां से 1000, किलो में बदलेंगे अगर ग्राम में दिया रहेगा, ये चला जाएगा ऊपर, यहां से हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और 1000 अपान हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1000 स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू में प्राप्त होता है, तो यह है मोलालिटी। आपको मालूम है कि यह मोलालिटी एक ऐसा सांद्रता पद है जिसमें कोई भी का टर्म नहीं है, भी का कोई पद नहीं है, और भी जो होता है ताप के साथ बदलता है। जब इसमें कोई भी का पद नहीं है, यह एक ऐसा सांद्रता पद है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, यह ताप पर प्रभावित नहीं होता है। एक बार और ध्यान दें, मोलालता या मोलालिटी किसे कहते हैं? तो विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलालता कहते हैं, और विलयन की मोलालता बराबर होता है 1000 स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, एम क्या है? विलेय का अर्धभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, किसमें? ग्राम में। ये था आपका मोलालिटी। ध्यान दें मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में होता क्या है? विलेय और विलायक को मिलाकर के विलयन बनाया जाता है, जिसमें दोनों में हम भार का इस्तेमाल करते हैं, आयतन का कोई पद नहीं होता है इसमें। तो इसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय तो दूसरा क्या? विलायक। तो देखें यहां से हमने लिख दिया कंपोनेंट हो गया,
घटक हो गए, तो घटक में दो घटक हो गया, एक सोल्यूट होता है तो दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम यहां से देखेंगे दो घटक हो गए, अब हम वेट की बात करें, यहां से देखें वेट, या इसको लिख सकते हैं यहां से देखें वेट, तो सॉलिड के वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 से और सॉल्वेंट के वेट को रिप्रेजेंट करते हैं W2 से। तो W और W1 और W2 वेट हो गया। इसी तरह से इसका मोलर मास देखें, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट जो होता है यहां पर M1, इसका हो जाएगा M2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल देखें यहां से क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या यहां से देखें N1 होता है और यह होता है W1 upon N1। उसी तरह से विलायक के मोलों की संख्या N2 होती है और यह होता है W2 upon N2। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या N1 और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा N2। तो ये बताइए टोटल जो मोलों की संख्या क्या होगी, तो N1 plus N2 होगी। यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल और वो भी किसमें, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगा N1 plus N2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो पहले डेफिनेशन से पहले फार्मूला लिखें फिर डेफिनेशन देंगे। यहां से देखें क्या होता है, यह हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्सोन से, और यह एक्सोन बराबर होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। उसी तरह से देखेंगे यह हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आप क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और यह हो जाएगा X2, और X2 बराबर हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस क्या हो जाएगा N2। अर्थात यहां से आप देखें सॉल्यूट है इसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। अब आइए डेफिनेशन देखें इसका क्या हो जाएगा, तो विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देखें क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो कहेंगे विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब आप पाएंगे कि मोल प्रभाज सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का या x1 बराबर n1 अपॉन n1 प्लस n2, सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2 हो जाता है। तो ये था आपका मोल प्रभाज। यहां से आप देखेंगे जो x1 होता है, x1 ऊपर भी मोलों की संख्या नीचे भी, अतः इसकी कोई विमा यानी कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। एक बात और ध्यान दें, इसमें भी कोई वालू का पद नहीं होता है, इसलिए यह वालू का पद नहीं होता है, इसलिए यह टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, यह एक ऐसा सांद्रता पद है जो कांस्टेंट होता है क्योंकि इसमें कोई वालू का पद नहीं होता है। तो ये था मोल प्रभाज। ध्यान दें केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट क्या होता है, तो अभी आपने देखा था कि विलेय के मोल प्रभाज x1 था और इसका x2, दोनों को जरा जोड़े देखें क्या होता है। यहां से आप देखें x1 plus x2 equal to क्या होगा, यह हो जाएगा n1 upon n1 plus n2, और ये प्लस हो जाएगा n2 upon n1 plus क्या n2, जोड़ लीजिए यहां से हो जाएगा x1 plus x2 बराबर, नीचे हो जाएगा n1 plus n2
और ऊपर भी हो जाएगा n1 प्लस n2, ये कट जाएंगे अर्थात ये हो जाएगा 1, अर्थात x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इनमें घटक की संख्या कंपोनेंट जो है 3 होते x1 x2 x2 तो भी सबका योग 1 होगा। अब इसको कहेंगे क्या, देखें विलयन में उपस्थित घटक कणों के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है, 1 होता है, एक कांस्टेंट होती है 1 होता है, अर्थात विलयन में घटक कणों के मोल प्रभाजों यानी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, योग जो होता है वह 1 होता है। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको x1 की वैल्यू निकल जाती है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से देखें मोल फ्रैक्शन आप सोल्यूट और यह x1 दिया हुआ सोल्यूट इज इक्वल टू x1 है, यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से x2 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस x1। तीसरे हल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड देखें, केस सेकंड क्या होता है, तो विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का अनुपात निकालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आपको मालूम है n1 अपान n1 प्लस क्या n2, और यहाँ से हो जाएगा n2 अपान n1 प्लस n2, ये कट जाएंगे या बराबर हो जाएगा n1 अपान n2 हो जाएगा। और आगे बढ़ें या x1 अपान x2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1, यहाँ से n1 अपान n2 लिख सकते हैं, w1 अपान m1 और यह हो जाएगा w2 अपान m2। इसको लिख सकते हैं w1 अपान w2, ब्रैकेट में हो जाएगा m2 अपान m1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं और आगे बढ़े, देखें कि x1 अपान x2 इज इक्वल टू w1 अपान w2 ब्रैकेट में m2 अपान m1, और इसमें हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे मोललता, अभी हम पीछे पढ़े थे तो मोललता, तो विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार के जी में, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हो जाएगा मोललिटी और इनटू हो जाएगा m2 आया 5 हो जाएगा, यहाँ से देखें 1000 ये हो जाएगा, यहाँ प्राप्त होता है। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा x1 अपान x2 इज इक्वल टू मोललिटी, यहाँ से देखें मोललिटी इनटू m2 आया 5 हो जाएगा 1000, यहाँ से आप देखें ये प्राप्त होता है। जहाँ मोललिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें मोललिटी इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1000 स्मॉल w1 ये हो जाएगा अपान यहाँ से m1 और यहाँ से हो जाएगा w2, ये है, इसके जगह पर रख देते हैं और x1 अपान x2 इज इक्वल टू मोललिटी इंटू m2 अपान 1000, ये था आपका केस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, प्योर वाटर का अनिशुद्ध जल का मोललता एवं मोललता ज्ञात कीजिए, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर cm³ है। इस कंडीशन में आप देखें जल का रायक विलेय भी जल है, विलायक भी जल है और विलयन भी जल है, सब सेम है। यहाँ से आप देखें हम मान लेते हैं कि विलेय की मात्रा 1 kg है, यहाँ से हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अर्थात H2O और यह बराबर कितना हो जाएगा 1 kg बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। अब इसके बाद विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन,
वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर एक केजी हो जाएगा, एक केजी। अब इसके बाद यहां से आप देखेंगे विलायक का भार कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखें, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी हो जाएगा कितना, एक केजी। लेकिन अब विलयन का आयतन कितना होगा, यहां से आप देखें यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यह बराबर क्या हो जाएगा, यह भी बराबर हो जाएगा यहां से एम आई अपॉन डी हो जाएगा। मान रखें यहां से हो जाएगा 1000 अपॉन 1 अर्थात 1000 क्या हो जाएगा एम एल, यहां से देखेंगे 1000 एम एल हो गया अर्थात भी बराबर यहां से हो जाएगा 1 लीटर। अब हमें सॉल्व करना है क्या क्या, मोलरिटी देखें क्या हो जाएगा, यहां से आप देखें यहां से हो जाएगा डब्ल्यू अपान एम इंटू 1 अपान कैपिटल डब्ल्यू, मान रखें यह हो जाएगा 1000 अपान 18 इंटू 1 अपान 1। अब सॉल्व कर लेंगे इसका माना जाता है 55.56, यहां से यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर केजी, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। दूसरा इसकी मोलरता देखिए, मोलरिटी, मोलरता क्या होगा तो डब्ल्यू अपान एम इंटू 1 अपान वी, सेम उसी तरह से 1000 अपान 18 इंटू 1 अपान 1 अर्थात हो जाएगा 15.5.56, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोलल जलीय विलयन में सोल्यूट का मोल प्रभाज क्या कीजिए। अब इसमें आप देखें यहां से इसका सलूशन देखें, सलूशन तो सलूशन में क्या होता है, यहां से मान लेते हैं कि सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये कितना हो जाएगा, सोल्यूट इज इक्वल टू x1, तो उसी तरह से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x2। और क्या क्या दिया है, कह रहा है कि जलीय विलयन अर्थात जो जल है विलायक उसका अणुभार m2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसकी मोलरिटी कितनी दी गई है, तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 1 मोल पर केजी। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे तो सपोज करें फार्मूला हमारा होता है सेकंड केस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, यहां से क्या होता है मोलरिटी इनटू हो जाएगा m2 अपॉन 1000। अब सभी वैल्यू को रखा जाए, x1 निकालना, x1 की जगह पर यह हो जाएगा और इस x2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस x1, लिख सकते हैं या x1 अपॉन 1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से 1 हो गया 1 इंटू 18 अपॉन हो जाएगा 1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो 1000 हो जाएगा, x1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आप इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां सब लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू ये जोड़ेंगे या हो जाएगा 18 अपॉन 1018, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.017 या हो जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलय का मोल प्रभाज 0.017 प्राप्त होता है। इस तरह से एथिल एल्कोहल के जलीय विलयन में भार अनुसार 54% जल है, तो विलयन
में एथिल एल्कोहल एवं जल का मूल प्रभाज ज्ञान कीजिए। ध्यान दें यहां से दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया एथिल एल्कोहल और उसके बाद दूसरा हो गया वाटर। इसका फार्मूला होता है C2H5OH और इसका फार्मूला होता है यहां से H। यहां से अगर W1 निकाला जाए और ये क्या है W2, दोनों परसेंटेज में दिया है। तो सपोज करें कि अगर दोनों मिलके 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 54 ग्राम क्या है जल है, यहाँ W2 बराबर कितना हो जाएगा 54 ग्राम 54 ग्राम हो गया। ये कितना होगा तो यह 100 माइनस 54 अर्थात 46 ग्राम हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला है एथिल एल्कोहल का, यहाँ 12 × 2 + 5 + 16 + 1 अर्थात यह हो जाएगा 46। इसका वाटर का मालूम है ये कितना होता है 18। अब मोलों की संख्या N1 बराबर क्या होता है W1/N1 बराबर हो जाएगा 46/46 कट जाएगा ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें N2 बराबर क्या हो जाएगा तो W2/N होता है N2 बराबर कितना हो जाएगा 54/18 कट जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यह 3 हो गया ये 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आप पाएंगे हमें निकालना किसका एथिल एल्कोहल का। यहाँ से देखें इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे किसका निकालना है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल यहाँ से देखें एल्कोहल और ये कितना हो जाएगा X1 बराबर हो जाएगा N1/N1 + N2। यहाँ से X1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 है और ये 3 × 1 कितना हो जाएगा 4 अर्थात X1 बराबर आ गया ये 1/4 हो जाएगा। दूसरा देखें क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर अर्थात X2 बराबर क्या हो जाएगा X2 बराबर हो जाएगा N2/N1 + N2 मान रख जाएं कि 3/1 + 3 अर्थात 3/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद 3/4 हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये देखें X2 बराबर होता है 1 - X1 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/4 हो जाएगा। ये सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व करेंगे 3/4 अर्थात चाहे इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से निकालना है ये हो गया एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज 1/4 और जल का मोल प्रभाज हो गया 3/4। चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री, इसमें ध्यान दें कुछ सांद्रता पद ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं कुछ स्थिर नहीं होते हैं, उसमें डिसाइड करता है कि जिसमें आयतन का पद होता है। जैसे देखें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता W/V, मोलरता W/M × 1/V, नॉर्मलता W/E × 1/V, इन सब में भी का पद है और ताप बढ़ाने पर भी का मान परिवर्तित होता है बढ़ता है। तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि ये जो सांद्रता के पद होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, ये ताप के साथ प्रभावित होते हैं। तो कौन कौन ताप के प्रभावित होने वाले हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता क्यों प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें भी का पद होता है इसलिए ये जो है परिवर्तित होते रहते हैं। नॉन इफेक्टिव कौन कौन से हैं, तो जिसमें भी का पद नहीं होता है भार होता है और विलयन का जो भार होता है वह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो सब कांस्टेंट होते हैं। जिसमें मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है और ये ppm है, मोल फ्रैक्शन X1 और ये N1/N1 + N2,
विलायक का क्या हो जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2। मोलरिटी में 1000 स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ ppm में विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10^6। तो यहाँ पर आप देखेंगे V का कोई पद नहीं है, अतः ये तीनों पद जो होते हैं मोल फ्रैक्शन मोलरिटी और ppm ये तीनों जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, देखें H2SO4 के एक नमूना जिसकी प्योरिटी दी गई है 94% और वो भी वेट बाय वॉल्यूम है, जिसका घनत्व 1.84 ग्राम पर cm³ है या 1.84 ग्राम पर mL है। तो उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता या मोललता तथा विलयन में H2SO4 की मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए बड़ी सावधानी से सावधानी बरती जाती है। इसमें W/V दिया है, अगर V दिया है तो विलयन का आयतन हम 1 लीटर मान लेते हैं, और यहां से देखें ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोलूशन बराबर हो जाएगा 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 mL के मान लेते हैं। अब आप देखें W/V का मतलब क्या होता है, 100 mL में 94 ग्राम, 100 mL में 94 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 940 ग्राम। यहां से हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है H2SO4, और ये W बराबर हो जाएगा 940 ग्राम हो गया। अब इसके बाद हम इस विलयन का भार ज्ञात कर लेंगे, उसका भार कितना होगा। यहां से लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V × D होता है। V का मान कितना है 1000 1.84 और मल्टीप्लाई कर देंगे यह हो जाएगा 1840 ग्राम हो जाएगा विलयन का भार। अब ध्यान दें जब विलयन का भार 1840 ग्राम है तो उसमें विलेय यानी H2SO4 भी है जल भी है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, H2SO4 का भार मालूम हो गया, दोनों के मिलकर भार मालूम हो गया, तो जल का हम निकाल लेते हैं, पर जल क्या है विलायक है, यहां से क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और इसको कैपिटल डब्ल्यू बराबर निकलेंगे 1840 माइनस 940 बराबर हो जाएगा यहां से 900 ग्राम हो जाएगा और यह बराबर 0.9 kg हो जाएगा। ये निकल गया, तो विलेय का भार 940 ग्राम, विलयन का आयतन 1 लीटर, विलायक का भार 0.9 kg। अब इसके बाद देखें यहां से मोलर मास देखें, मास यहां से m बराबर या मॉलिक्यूलर वेट m बराबर हो जाएगा 98, और यहां से और पाएंगे इक्विवेलेंट वेट e बराबर हो जाएगा 98/2 = 49। सभी इसी तरह से अगर इतना समझ में आ जा रहा है तो देखें क्वेश्चन में कोई एक टर्म पूछता है, चाहे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पूछेगा, मोलरता पूछेगा, नॉर्मलता पूछेगा या मोललता या मोल प्रभाज पूछेगा, तो ये निकल गया। एक बार और ध्यान दें, अगर W/V दिया हुआ है तो विलयन का आयतन हम 1 लीटर मान लेंगे, अगर W/W दिया हुआ है तो विलयन का भार हम 1 kg मान लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आइए आगे देखें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें यहां से आप देखें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बराबर कितना होता है W/V, 940/1 बराबर हो जाएगा
940 ग्राम प्रति लीटर, ये हो गया ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकल गया। अब आगे देखें हमें निकालना क्या है, मोलरता, यहां से देखें इसको बोलते हैं मोलरिटी, यह कितना होता है W अपान M अपान 1 अपान V, यहां से कितना हो जाएगा 940 बटे, यहां से देखें या 98 हो गया इनटू 1 अपान 1, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां से आप देखेंगे 9.59 हो जाएगा मोल पर लीटर, या इसी को लिख सकते हैं 9.59 कैटरियम इमोलेटिव हो गए। अब अगला हमें क्या निकालना है, ये हो गया नॉर्मलिटी, देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहां से आप देखें नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी n बराबर कितना होता है इसका निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी बराबर देखें तो w अपान e इनटू 1 अपान v, यह हो जाएगा 940 बटे कितना हो जाएगा यहां से 49। अब इसको जब जाएगा 19.18 n हो जाएगा, अर्थात इस विलयन की नॉर्मलिटी निकल गई। इसी तरह से आप देखें आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से आप पाएंगे डालना है मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या होता है w अपान m इनटू 1 अपान कैपिटल w, मान रख जाए तो w का मान कितना है 940 बटे या 98 दिया गया है इनटू 1 अपान 0.9, इसको सॉल्व करते हैं तो 10.65 हो जाता है। यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर केजी, ये हो गया इस विलयन की मोलरता। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है H2SO4 का मोल प्रभाज विलयन में कितना होगा, यहां से सपोज करें यहां से देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 बराबर हो जाएगा X1, और यहां से आप पाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा X2, और इस X2 बराबर लिख सकते हैं 1 upon 1 minus X1। अब देखें इससे हम क्या होता है, एक केस हम लोग पढ़े थे X1 upon X2 = क्या मिला था मोलरिटी और इनटू M2 अपान था 1000। अब इसी के हेल्प से हम निकालेंगे इसका मान रख दें, यह हो जाएगा X1, ये हो जाएगा 1 minus X1, और इसका मान हो जाएगा 10.65 इनटू हो जाएगा 18 अपान हो जाएगा यहाँ से 1000। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से देखें 0.1917 ये आ रहा है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कितना हो जाएगा X1 बराबर 0.1917 और माइनस हो जाएगा 0.191 यह हो जाएगा X1, इधर प्लस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से सॉल्व करेंगे X1 बराबर हो जाएगा 0.1917 अपॉन 1.1917, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 0.166X1 बराबर हो जाएगा। अब दूसरा क्या निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहां से आप देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर हो जाएगा 1 minus X1 बराबर हो जाएगा 1 minus 0.1 यहाँ 0.6 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे 0.84 नियर अबाउट आ जाएगा। यह किसका था, यह H2SO4 का था, यहाँ से आप देखेंगे यह H2SO4 का मोल फ्रैक्शन और ये वाटर का हो गया, तो ये था ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट पर मिलियन PPM कहते हैं इसे, पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख भाग, अर्थात इसकी डिफिनेशन क्या होगी, 10 लाख भाग बिलियन में
जितना भाग गीले पदार्थ उपस्थित होता है उसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। 10 लाख भाग बिलियन के 10 लाख भाग में जितना भाग गीले पदार्थ होता है उसे पार्ट पर मिलियन या पीपीएम कहते हैं। पीपीएम बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू हो जाएगा 10^6 होता है। यहाँ से आप देखेंगे अगर ये दोनों ग्राम में है या दोनों मिलीग्राम में है तो सेम रहेगा और इनटू 10^6। या पीपीएम बराबर यहाँ से देखें एक और है कि अगर परसेंटेज आपको मालूम है, परसेंटेज परसेंटेज तो उसमें क्या करते हैं 10^4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है कि दूसरा फार्मूला हो गया। और इसकी एक और डिफिनेशन ध्यान दें, एक केजी बिलियन में 1 केजी सॉल्यूशन, एक केजी सॉल्यूशन में जितना मिलीग्राम जितना मिलीग्राम जो होता है सोल्यूट होता है, मिलीग्राम में अगर सोल्यूट होता है वही पीपीएम कहलाता है। अर्थात एक केजी बिलियन में बिले के मिलीग्राम में जितनी मात्रा होती है उसे पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहा जाता है। तो ये था आपका पीपीएम। एक बार और देख लें पहली डिफिनेशन इसकी क्या होगी कि 10 लाख बिलियन के 10 लाख भाग में जितना भाग गीले पदार्थ होता है उसे पीपीएम पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। और दूसरी डिफिनेशन यह है कि 1 केजी बिलियन में बिले पदार्थ के जितने मिलीग्राम उपस्थित होता है तो उसे पीपीएम कहते हैं।